मिसाइल लग चुकी है और ये होने जा रही है गन के अंदर फिट। ये ऑन हो गया, ये रेडी है, ये हमारी गन रेडी हो चुकी है। देख रहे हो गाइस कितना बड़ा पैक है, इतना सोडा है इसमें, बाकी इतनी दारू है, अभी इसके ऊपर और दारू जाने वाली है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, मतलब रात को मैं फुल घोड़े बेच के सोया हूँ। नाउ गाइस मैं फटाफट से रेडी हो जाता हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइम होने वाला है, मतलब इतना काम तो नहीं है मगर फिर भी जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ेगा। तो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी हमेशा की तरह, एंड आज थोड़े बहुत कॉकटेल ट्रायल्स हैं मगर मैंने उसकी कल रात को ही प्रिपरेशन कर ली थी, तो मतलब मुझे इतना काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से जाएंगे। तो गाइस हम जा रहे हैं कुछ ही तरह अपने काम पर, कुछ नया बनाने, कुछ नया सिखाने। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं लिफ्ट में, अब खाली मेरे ख्याल से एक मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। कभी कभी ये लिफ्ट ठीक मिलती है, कभी कभार खराब मिलती है, पता नहीं क्या सिस्टम है, मेरे बाल भी पूरे खराब हो गए वहाँ से। नाउ गाइस मैं आ चुका हूँ अपने बार में, एंड अपना सारा सामान है और यहाँ पर एक टेबल यहाँ बैठी है, एक टेबल वहाँ बैठी है, एक टेबल यहाँ बैठी है, तीन टेबल बैठी हुई हैं। एंड हम देखते हैं अपना आइस का, जम गई ना ये आइस। तो ये आइस भी जम चुकी है, तो बस अभी हम अपने ओनर का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम चालू करेंगे कॉकटेल्स ट्रायल। नाउ गाइस हम करने जा रहे हैं अपना कॉकटेल ट्रायल्स। सो गाइज हमने बनाई थी अभी ये वाली कॉकटेल, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले शुभम करेगा, कैसी है? सुपर्ब। मुकेश तू टेस्ट कर। नाउ गाइज मेरी बारी। देखो मजा ही आ गया भाई, कॉकटेल अच्छी बनी हुई है, काफ़ी बहुत अच्छी कॉकटेल बनी हुई है। हमारी गन के अंदर स्मोक रिफिल, मिक्स बेरी फ्लेवर्ड, ये मिक्स बेरी फ्लेवर्ड है। अभी देखिए कैसे हो रही है, ये इधर हमारा इधर इधर की जगह पे फ्लेवर लग रहा है जो इसके अंदर तक पहुंच के फिर बबल के साथ। नाउ गाइस अभी होगा गन के अंदर फिट। ये हमारी मिसाइल लग चुकी है और ये होने जा रही है गन के अंदर फिट। ये ऑन हो गया, ये रेडी है, ये हमारी गन रेडी हो चुकी है। हमारा बन रहा है यहाँ पर एक बबल स्मोक गन से। वाह 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 वाह। क्या बात है। नाउ गाइस मैं ट्राई करूंगा बबल बनाने का, अभी देखते हैं कैसे बनाते हैं। अरे भाई गाइस ट्राई कर रहे हैं अभी हमारे सर। वाओ वेरी नाइस।
सो गाइज, मेरी टीम ने मेरी पूरी हेल्प करी और हमने आज ये कॉकटेल्स बनाई हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपके पास अच्छी टीम है तो ये काम अच्छे से हो सकता है। एंड ये लोग भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, तो थैंक्स टू देम। सो गाइज, अभी अपने पास आया ये आइस, हमने अमेजोन से मंगवाया और ये है, इसमें हम जमाएंगे फ्लेवर्ड आइस। हमने पहले ही स्टिक लगा दिया, अब इसके अंदर हम ऑरेंज पैशन फ्रूट फ्लेवर्ड आइस बनाएंगे, मतलब आइसक्रीम बनाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर शुभम जी बना रहे हैं हमारी ये आइस, मतलब आइसक्रीम। इसे हम बिल्कुल इंटरेस्टिंग कॉकटेल करने वाले हैं। सही से हिलाओ, ये इसमें ऑरेंज जूस जा रहा है रियल का। नाउ गाइज, ये जा रहा है हमारा ऑरेंज पैशन फ्रूट सिरप। नाइस, अब इसको कवर अप कर दे, इससे ऐसे ही रखना पड़ेगा बिल्कुल लिटा के। तो गाइस, अपने कॉकटेल स्टाइल्स हुए ख़त्म। 11-12 कॉकटेल सिलेक्टेड हो गई है पॉपअप मेन्यू के लिए, और अभी मिला है मुझे टी ब्रेक। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है क्योंकि मेरे को नशा हो रखा है दारू का। तो गाइस, पहले मैं एक बार निकलूँगा, मुँह धोऊँगा अच्छे से, फेस वेस पूरा सही से वॉश करूँगा, उसके बाद दोबारा काम पर जाऊँगा। तो गाइस, अपना खाना वाना हो चुका है एंड हम दोबारा काम पर लग चुके हैं। हमारा सेक्शन भी पूरा रेडी है एंड यहाँ आ गया हमारा न्यू ऑर्डर, ड्राफ्ट किंगफिशर लाइट, 4 ग्लास संग भाई, 1500 ml। सो गाइस, हमारा कैग हो चुका है ख़त्म बियर का, हमारा लाइट का क्या ख़त्म हुआ है ना, एक है ये भी ख़त्म नहीं है। तो गाइस, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग हो गई, वो हमारा बियर का चल रहा है, मगर फिर भी हमने एक एक्स्ट्रा कैग मंगवा लिया आ रही है, तो वो हमने इधर रख रखा है। ये कैग है, कितने लीटर का है ये? 50। ये है 50 लीटर। तो ये कैग हमारा 50 लीटर का है, तो वो पहला वाला ख़त्म नहीं हुआ था, तो मेरे से ही गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मेरे से ही। सो गाइस, यहाँ तो बस खाली एक टेबल, वहाँ पर एक टेबल वहाँ बैठी है एंड ये टेबल यहाँ से उठ गई है, तो एक बार ऊपर दोबारा चेक कर लेंगे कितनी टेबल बैठी है, उसी के हिसाब से फिर देखते हैं कितना काम करना पड़ेगा, टाइम से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। सो गाइस, एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं कितनी टेबलें बैठी हुई हैं। एक टेबल यहाँ बैठी है, 2, 3। सो गाइज, हमारे पास आया है 5 ब्लू PLIT का ऑर्डर, और LIT बोले तो पटियाले पैग्स, हाँ यही बोलेंगे, पटियाला पैग ही बोलेंगे। तो अभी आप देखना इसमें कितनी सारी शराब जाएगी, दारू जाएगी, दारू उसमें है। सर बना रहे हैं 5 LIT ब्लू PLIT, मतलब पटियाला पैग्स, इसमें जा रहा है पहले लाइम जूस। नाउ गाइज, जाएगी वोडका 30 ml, जाएगी इसमें रम, ये जा रही है रम 30 ml, नाउ टकीला, आप देख रहे हो कितना बड़ा पैक बन रहा है ये। जा रहा है ट्रिपल सेक, पांचवा चौथी स्पिरिट हमारी। नाउ गाइस, ये फिलअप हो रही आइस के संग, टॉप अप होगी पूरी आइस के संग। अब जा रहा है इसमें सोडा, देख रहे हो गाइस कितना बड़ा पैक है, इतना सोडा है इसमें, बाकी इतनी दारू है, अभी इसके ऊपर और दारू जाने वाली है। और ये आ गई हमारी ब्लू पी जिन, इन्फ्यूज जिन है 30 ml इन्फ्यूज जिन, ये देखिए इसका कलर हो गया ब्लू ऊपर से, तो यहाँ दारू है
यहाँ इतने पार्ट में सोडा है और नीचे फिर से दारू है इसमें। तो मतलब पांच तरीके की स्पिरिट जाती है इसमें, वोडका, रम, जिन, टकीला एंड ट्रिपल सेक। नाउ गाइस, इसकी हो रही है गार्निश, हम गार्निश करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए ऑरेंज, डिहाइड्रेट ऑरेंज की गार्निश हो रही है। सो गाइस, अब ये करवाएंगे हम पिकअप अपने पिकअप पॉइंट पे। ब्यूटीफुल लग रही है ना। तो गाइस, अपनी शिफ्ट हो गई है ओवर एंड मैं जा रहा हूँ रूम पर। बहुत मज़ा आया आज काम करने में और दारू वारू भी मिल गई थोड़ी बहुत, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत टेस्ट करने के लिए मिलती है तभी वही थोड़ी बहुत पी लेते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड आपसे मिलते हैं कल। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आज, बहुत ज़्यादा।